साल 2019 अभिनेता ऋतिक रोशन के लिए काफी ज्यादा खास रहा, क्योंकि साल 2019 में बैक टू बैक उनकी दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई और दोनों फिल्मों का दर्शकों के बीच बेहतर रिस्पांस हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, साल 2020 में ऋतिक रोशन का क्या प्रोजेक्ट होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें गड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच अब वॉर के डायरेक्टर ने ऋतिक रोशन को लेकर एक बड़ा हिंट दे डाला है। जी हाँ, रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान वॉर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि मैं अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और इस प्रोजेक्ट में मैं एक बार फिर से ऋतिक रोशन के साथ आने वाला हूं। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे, साल 2014 में आई फिल्म बैंग बैंग और साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर में सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन नजर आ चुके हैं। इन दोनों फिल्मों का जबरदस्त रिस्पांस लोगों के बीच हमें देखने को मिला। ऐसे में कयास यही लगा जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद अगर ऋतिक रोशन को लेकर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर हाजिर होना चाहते हैं तो आखिर वो कौन सी फिल्म होगी, या वो बैंग बैंग 2 होगी या फिर वॉर 2। वॉर फिल्म के धमाकेदार सक्सेस के बाद यशराज फिल्म्स भी चाहता है कि इस फ्रेंचाइजी की आगे इंस्टॉलमेंट आए और हो सकता है कि ऋतिक रोशन के साथ एक बार फिर से वॉर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद एक नए कंसेप्ट पर एक फिल्म लेकर आ सकते हैं। फिलहाल ऋतिक रोशन का नाम क्रिश 4 से भी जोड़ा जा रहा है और क्रिश 4 को भी लेकर इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही है। ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन अगर बीमार नहीं पड़े होते तो क्रिश 4 पर काम शुरू किया जा चुका होता। क्रिश फ्रेंचाइजी की इस इंस्टॉलमेंट की मांग एक लंबे समय से की जा रही है। क्रिश 3 इसकी पिछली इंस्टॉलमेंट थी और पिछली इंस्टॉलमेंट को धमाकेदार सक्सेस मिली थी। ऐसे माना जा रहा है कि ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन इस फ्रेंचाइजी को काफी ऊंचे लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सिद्धार्थ आनंद का ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन के नए प्रोजेक्ट पर इशारा करता है। शायद क्रिश 4 तो नहीं, लेकिन सिद्धार्थ आनंद के साथ ऋतिक रोशन की एक दमदार वापसी फिर से होने वाली है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, ऋतिक रोशन की इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।